स्वागत है लिसनर्स आपका रेडियो टनाटन में, हेडक्वार्टर मुनिकुलाला माराथली। बट आज हमारा स्टूडियो है कार के अंदर और हम जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ। बेंगलोर और आईटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमारे श्रोतागण बार बार कॉल कर रहे थे, वो बहुत परेशान लग रहे थे अपने आईटी जॉब से। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, प्यार पैसा और आईटी, और इसीलिए आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। उनका नाम है रॉय, जो कि हैंडल करेंगे हमारे कॉलर्स जो कि बार बार कॉल कर रहे हैं और ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रही हैं। और कभी कोड कमिट नहीं होता है, कभी कुछ होता है, बिल्ड फेल कर जाती है। तो आज हमारे लिए लाइन पे हैं एक कॉलर जो कि रॉय से कुछ बात करना चाहेंगे और रॉय जो कि एक्सपर्ट है इस मामले में उनका जवाब देंगे। तो आइए ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रॉय और आज बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आपके ही जुड़े सवालों के जवाब। आइए सुनते हैं हमारे पहले सवाल को। सर, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ और मैं आईटी में जॉब करता हूँ। और सर, मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ। ये आईटी जॉब और मैनेजर की किचकिच, छुट्टी ना मिलना, कहीं जाना हो तो मेरे 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 चेहरे की स्माइल चली गई है। सर प्लीज़ कोई सोल्यूशन दीजिए मुझे। हाय, मैं हूँ रॉय और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके ही सवाल के ऊपर। क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? मैं प्रिंस कुमार बोल रहा हूँ। प्रिंस, आप कहाँ काम करते हैं? मैं आईटी में काम करता हूँ बेंगलोर में। क्या आप अपने जॉब से खुश हैं? सर दिल से बोलिए तो जॉब से तो कभी खुश नहीं है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से खुश थे? सर आईटी जॉब ने तो गर्लफ्रेंड की ले ली, सब कुछ छूट गया। नॉर्मल कहानियों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लेता है, पर यहाँ तो आपके आईटी जॉब ने गर्लफ्रेंड की ले ली। ऐसा लगता है आईटी जॉब आपकी जॉब नहीं, आपकी सौतन है। चलिए इस बारे में और बात करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेंगलोर में हर दूसरा इंसान आप जैसा है। हर दूसरा इंसान एक्चुअल में प्रिंस है, बट वो कहीं भटक गया है इस जॉब के झंडे में, इस इफ एल्स के लूप में, इस इफ एल्स के लूप में, इस फॉर लूप में जहाँ पे मैक्सिमम डेडलाइन इनफाइनाइट है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, हमें अपने चेहरे में मुस्कान लानी चाहिए। और आपके दुख दर्द को सुनते हुए हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए पेश करना होगा ये स्पेशल गाना। बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये गाना। सारे आईटी इंजीनियर्स को ऐसे ही हंसना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि क्या कोड कमिट करना है, मैनेजर्स क्या पूछ रहे हैं। सैटरडे को काम करने वाले हमारे आईटी दोस्त, अभी सुनिए गाना और छोड़ दीजिए अपनी ऑफिस। ट्रैफिक में फंसे दोस्त जो सोच रहे हैं कि मैनेजर को क्या जवाब देंगे मंडे को, बने रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए।